आज की वीडियो में मैं आपको 621 की फैक्टर ट्री बनाना सिखाऊंगा। फैक्टर ट्री बनाने से पहले आपको पता होना ज़रूरी है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। वह नंबर जो वन से डिवाइड हो या फिर खुद अपने आप से डिवाइड हो, क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ये कुछ आपके प्राइम नंबर्स हुए। इसके बाद इसमें आपको टेबल्स आना ज़रूरी है, ठीक। उसके बाद जिस तरह से ट्री की ब्रांचेज होती हैं, उसी तरह मैंने 621 की दो ब्रांचेज बनाई। फिर लेफ़्ट साइड में आपको हमेशा प्राइम नंबर ही मिलेगा, राइट साइड में अगर आपका प्राइम नंबर आ जाए तो वहीं पे इसकी फैक्टर ट्री क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। 3 × 207 = 621 हुआ, लेकिन राइट साइड में आपका 207 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो फैक्टर ट्री और आगे बढ़ेगी। 3 × 69 = 207 हुआ, राइट साइड में 69 है जो कि एक प्राइम नंबर नहीं है, तो फैक्टर ट्री और आगे बढ़ेगी। 3 × 23 = 69 हुआ, राइट साइड में 23 है जो कि एक प्राइम नंबर है, तो फैक्टर ट्री यहीं पे क्लोज हो गई, ठीक है। इसके बाद इसमें आपको चेक करना है कि आपकी फैक्टर ट्री सही है गलत। इसके लिए आपको लेफ़्ट टू राइट चलना होगा। लेफ़्ट टू राइट चलते टाइम आपको सभी के सभी नंबर प्राइम नंबर ही मिलेंगे। फिर इन प्राइम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका रिजल्ट हमेशा वही होगा जिसकी आपको फैक्टर ट्री बनानी थी। 3 × 3 = 621 हुआ। इसका मतलब है कि आपकी फैक्टर ट्री एकदम सही है, एंड 3 × 3 = 23 621 के प्राइम फैक्टर्स भी होंगे। और अगर आपको 621 की फैक्टर ट्री का ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।